सो हेलो नमस्कार टू द ऑल जस्ट केमिस्ट्री लवर्स एंड डॉक्टर और इंजीनियर ऑफ द नियर फ्यूचर। आपके साथ में हिंदी मीडियम में नो डाउट पहले दो वीडियो शेयर किए, एक हमने बात की जस्ट आपके सिलेबस की क्लास 12th के रिगार्डिंग। आज जो बात करने जा रहा हूँ थर्ड वीडियो में, जस्ट उस सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द जस्ट सॉल्यूशन मीन्स विलियन। विलियन के घटक के बारे में पढ़ा था और विलियन के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज जो हम बात करने वाले हैं जस्ट विलियन के प्रकार की बातें करेंगे। विलियन के प्रकार की बात करूं तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यू कैन से आप कह सकते हैं विलियन के प्रकार को, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार को एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर तीन आधार काम में ले सकते हैं हम लोग। वैसे तो बहुत सारे हैं बट जनरली आप तीन आधार काम में ले सकते हैं। नंबर वन आता आपके पास में घटकों की संख्या, मीन्स आपने पढ़ा था घटक क्या होते हैं, विलेय और विलायक, तो उनकी संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर। तो बात करूं तो पहले आधार पर पर्टिकुलर विलयन के निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। पर्टिकुलर बात करूं बच्चों तो आपके पास में एक आता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब घटक उसमें आपके पास में दो हो, जैसे शर्करा और जल, तो वहां शर्करा एक घटक हो गया, जल एक घटक हो गया, शर्करा विलय हो गया, विलायक आपके पास में जल हो गया, तो वहां घटकों की संख्या दो है, तो ये अपने आप में एक द्विअंगी विलयन होगा। बात करूं मैं सेकंड की त्रिअंगी विलयन की, तो त्रिअंगी विलयन की बात करूं तो यहां पर घटकों की संख्या तीन होगी आपके पास में, जैसे आपने जल में शर्करा और NaCl मींस लवण को आपने डिजोल्व कर दिया, घोल दिया, तो वहां तीन घटक हो चुके हैं, लवण, शर्करा और जल। बात करूं अगर मैं थर्ड, दैट इज कॉल्ड ए चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन, चतुअंगी विलयन की बात करूं तो यहां पर घटकों की संख्या आपके पास में होगी चार, जैसे जल में आपने घोल दिया शर्करा, NaCl और ग्लूकोज, तो कुल घटकों की संख्या चार होगी, जल, NaCl, शर्करा और जस्ट ग्लूकोज। अगर इससे ज्यादा आपके पास में आते हैं घटक चार से ज्यादा, तो अपने आप में एक जटिल विलयन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। तो ये तो था आपके पास में पहला आधार। दूसरे आधार की बात करना चाहेंगे जस्ट विलय की, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर बात करें तो दो प्रकार होते हैं आपके पास में विलयन। नंबर वन आता है आपके पास में तनु विलयन, तनु विलयन, जिसको हम डाइल्यूट विलयन भी कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी, और दूसरा आता है आपके पास में सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। आप इस बात को ऐसे समझें कि एक ग्लास पानी में आपने अगर एक चम्मच शर्करा की डिजोल्व की है, घोली है, तो वहां आपके पास में तनु विलयन होगा, मींस विलय विलायक की तुलना में बहुत कम होगा, और अगर वहां पे आपने पांच चम्मच शर्करा की घोल दिए तो अपने आप में सांद्र विलयन होगा। तनु विलयन से अपेक्षाकृत जब सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है, तो आप ये कहेंगे तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अति अल्प हो, और जिसमें विलय की मात्रा या विलय आधिक्य में हो, आधिक्य में हो, तो उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। ये था आपके पास में दूसरा आधार। तीसरे आधार की बात करें तो हम, वो आता आपके पास में घटकों की, घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। इस आधार पर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर विलयन के बेसिकली तीन प्रकार मिलते हैं। फिर से नंबर वन आपके पास में आता है ठोस विलयन, नंबर टू आता है आपके पास में द्रव विलयन, नंबर थ्री आता है आपके पास में गैस विलयन। यहां आपके पास में विलायक के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अगर विलायक ठोस हो तो ठोस विलयन, विलायक द्रव हो
तो द्रव विलयन, विलायक गैस हो तो गैस विलयन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी श्रेणी में आगे की ओर बढ़ा जाए तो वो क्या है आपके पास में, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस विलयन की, हर एक विलयन के एग्जाम्पल की बात करेंगे और इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके विश्वास के साथ चलते रहेंगे। तो दिस इज द जस्ट यू कैन से, आप इसको कह सकते हैं कि यह आ गया विलयन, यह आ गया आपके पास में विलय, यह आ गया आपके पास विलायक और यह आपके पास में आगे उदाहरण। उदाहरण अगर हम बात करें विलयन की तो यहां आपने कह दिया ठोस विलयन, तो ठोस विलयन के लिए यहां पर विलय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विलायक की बात करूं तो ठोस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, होगा ही ठोस, क्योंकि अभी जस्ट बताया आपको कि विलायक के आधार पर इनका नामकरण किया गया। तो अगर आपके पास में ठोस विलयन की बात करूं तो ठोस ठोस के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल आता आपके पास में समस्त मिश्र धातुएं, जिसमें आपके पास में पीतल आ जाता है, कांसा आ जाता है, सोने और चांदी के आभूषण आ जाते हैं। जहां पीतल में बात करूं तो कॉपर और जिंक का यूज करते हैं, कॉपर 80% और जस्ट जिंक आपके पास में 20% है विलय है, कॉपर ज्यादा है 80% है विलायक है। सेकंड बात करूं द्रव और ठोस की, द्रव को आपने विलय लिया है और विलायक ठोस लिया है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सभी प्रकार के अमलगम। अमलगम आपको बता चुका हूं पारे के साथ बनाते हैं, तो पारे को किसी भी धातु के चूर्ण में मिक्स करते तो एक पेस्ट बनता है आपके पास में, उस पेस्ट को अमलगम कहते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल लेना चाहें सभी अमलगम की जगह तो जिंक अमलगम ले लें, ZnHg, जहां पारे को जिंक के साथ में चून के साथ में मिलाया जाता है। थर्ड आपके पास में आता है गैस और ठोस, विलय आपके पास में गैस, विलायक आपके पास में ठोस। तो उस पोजीशन में अगर हम एग्जांपल बात करें तो H2Ni ले लें, जो कि हम कैटलिस्ट के रूप में उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लेते हैं। H2 गैस आ गई, Ni उत्प्रेरक आ गया। H2Pd ले लें, H2Pt ले लें। तो ये तीनों आपके पास में एग्जांपल बेस्ट है रिगार्डिंग टू गैस ठोस। और दिस वाज अबाउट द, ये अपने आप में तीनों थे ठोस विलयन के प्रकार। अब मैं बात करना चाहूंगा नंबर टू द्रव विलयन की। बात करें द्रव विलयन की तो विलय आपके पास में जस्ट ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यहां विलायक केवल द्रव, द्रव और ये द्रव। आपसे पूछा भी जाता है कि अमलगम किस प्रकार का विलयन है, तो आप ही कहेंगे द्रव ठोस विलयन का एग्जाम्पल है। तो ठोस द्रव की बात करें तो शर्करा का जलीय विलयन ले सकते हैं, NaCl का जलीय विलयन भी ले सकते हैं, क्योंकि शर्करा और जस्ट NaCl दोनों ही ठोस हैं और जलीय विलयन जल आ रहा है आपके पास में विलायक, तो उस पोजीशन में आपके पास में जल विलायक के रूप में काम करेगा द्रव अवस्था में। द्रव द्रव के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं शराब का, जिसमें आपके पास में अल्कोहल होता है बच्चों प्लस जल होता है H2O, ये विलायक और ये विलय दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। अंतिम बात करूं जस्ट इसी के रिगार्डिंग सेकंड के, वो क्या है गैस और द्रव। गैस को आपने घोला है द्रव में, तो जितने भी आपके पास में सोडा वाटर आता है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, उन सब में आपने CO2 गैस को घोला है पेय पदार्थ में, तो ये अपने आप में जस्ट गैस द्रव का एग्जांपल होगा। फिर बात करूं तो पर्टिकुलर नंबर थर्ड, वो आता आपके पास में ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस विलयन की बात करें। गैस विलयन की बात करूं तो
विलेय आपके पास में ठोस हो सकता है, वही द्रव हो सकता है, गैस, विलायक आपके पास में गैस, गैस और ये भी गैस ही होगा। ठोस गैस की बात करूं तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, धूल का तूफान, धूल का तूफान, जहां धूल के कण ठोस होंगे और वायु जो होगी वो आपके पास में गैस होगी। द्रव गैस की बात करें, द्रव को गैस में किया है, उस पोजीशन में आपके पास में वाष्प आती है, जिसको हम जलवाष्प भी कहते हैं, ये आ गई जल वाष्प। तो ये थी आपके पास में पर्टिकुलर एग्जांपल द्रव गैस के लिए। फिर बात करें गैस गैस के लिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वायु, जहां नाइट्रोजन 78% है, विलायक के रूप में काम करेगी, बाकी सब गैसें, जैसे ओ टू की बात करूं तो ये आपके पास में 21% होगी, जो कि विलेय का काम करेगी। ये था आपके पास में आज के वीडियो में विलयन के प्रकार की, जिन्हें आप अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी के साथ में जिसको जरूरत हो उसके साथ में प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये कारवां एक अच्छे से बन सके और हमें मंजिल की प्राप्ति जल्द ही हो। मैं इसी बात में खुश हूं कि मैं आपकी किसी भी प्रकार से किसी की भी कोई भी मदद कर सकूं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी सांद्रता और सांद्रता की इकाइयों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।